सिटी इंडिया। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिटर्निंग अधिकारी पर केस चलाया जाए। मामले में कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी लगाई गई थी कि जिन बैलेट पेपर्स पर चिन्ह लगाए गए हैं उन्हें सही मानकर उन्हें गिना जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई जा रही है, एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और रिटर्निंग अधिकारी पर केस चलाने को कहा गया है। मामले में कल सुबह 10:30 बजे अब इस पर अगली सुनवाई होनी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। आपको बताएं सॉलिसिटर जनरल ने भी इस पर टिप्पणी की थी और कहा था कि दोबारा चुनाव की मांग उठ रही है और आम आदमी पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा जताया था और अब पुराने 36 बैलेट को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, ये बड़े चैलेंज की बात आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी। अनिल मसीह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी पर केस चलाने को कहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। चंडीगढ़ मामले में यह सुनवाई अनिल मसीह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़ी टिप्पणी करते हुए रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर केस चलाने को कहा है और इस मामले में कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुस्तावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए और तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए हैं और तीनों पार्षद को विनोद तावड़ा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का मेयर बने, इसलिए क्रॉस वोटिंग की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है, सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जोन है वो चलाया। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की स्थिति बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद अब नगर निगम में बीजेपी के पास 17 पार्षद हो गए हैं और ऐसे में एक वोट चंडीगढ़ सांसद का भी होता है, जो कि बीजेपी की किरण खेर है। और अगर एक पार्षद वाला शिरोमणि अकाली दल का वोट भी बीजेपी के पक्ष में आता है तो फिर बीजेपी के पास 19 वोट हो जाएंगे, जो कि मैजिकल फिगर भी है। और मेयर बनाने के लिए चंडीगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 19 ही है, तो मैजिकल फिगर 19 है। और ऐसे में अगर आंकड़ों की बाजीगरी की बात करें तो 17 सीधे तौर पर इन 3 पार्षदों के आ जाने के बाद बीजेपी के हो जाते हैं और शिरोमणि अकाली दल का अगर एक पार्षद आ जाता है तो 18 हो जाएंगे, जबकि एक सांसद का भी चुनाव होता है, सांसद भी गुना जाता है और क्योंकि सांसद तो बीजेपी की ही है, किरण खेर है। और ऐसे में जो मैजिकल फिगर है 19 का, वो मैजिकल फिगर बीजेपी टच कर जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा ये। तो
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़ी टिप्पणी करते हुए रिटर्निंग अधिकारी पर केस चलाने को कहा है। मामले में कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बताएं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की मेयर चुनाव पर ये बड़ी टिप्पणी, और आपको बताएं कि अनिल मसीह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे और इसलिए उन पर अब केस चलाया जाए, और केस क्यों ना चलाया जाए, ये सवाल पूछा गया है। और इस मामले में हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी विक्रांत सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है। विक्रांत, क्या सुनवाई चल रही है, सुनवाई खत्म हो गई है? देखिए, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है। अब कल दोपहर को 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने अनिल मसीह से सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा कि मसीह साहब, आप कोर्ट के सामने एकदम सच बोलिए, वरना आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अनिल मसीह से कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप बैलेट पेपर पर निशान लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे, वो साफ दिखाई दे रहा था वीडियो में। मसीह ने माना कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो बैलेट पेपर गलती थी जिनमें उस पर उन्होंने निशान लगाया था, ताकि उन्हें बाद में गिन सकें। तो कोर्ट हालांकि उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत या ये कहें कि संतुष्ट नहीं नजर आया। कोर्ट ने कहा कि वो 8 बैलेट पेपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग का हमें खतरा था और वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो पुराने बैलेट पेपर थे जिन पर मसीह ने निशान लगाए थे, वो बैलेट पेपर के हिसाब से गिनती करवाई जाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या वो बैलेट पेपर गिनती योग्य हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो सुरक्षित रखे हुए हैं। अब कोर्ट ने वो बैलेट पेपर कल अपने पास बुलवाए हैं, सुप्रीम कोर्ट उन बैलेट पेपर को देखेगा, उसके बाद ये फैसला लेगा कि क्या उन्हीं बैलेट पेपर के हिसाब से गिनती होगी या फिर चुनाव दोबारा से करवाया जाएगा, क्योंकि अब चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा जो नंबरों का खेल है वो बदल चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आज सुनवाई हुई है। इस बीच में 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में चले गए हैं, तो नंबर गेम में बीजेपी आगे हो गई है। तो कोर्ट ये देखना चाहता है, कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि कोर्ट ने कहा कि हम इस बात पर चिंता जता रहे हैं जिस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग के बात की जा रही है। तो कोर्ट ने अब 2 बजे कल हियरिंग करने को कहा है। अनिल मसीह को भी कहा है कि आप कोर्ट में मौजूद रहिएगा जब इस मामले की सुनवाई होगी, और अनिल मसीह के लिए जो रिटर्निंग अफसर थे, एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अदालत ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि यू शुड बी प्रोसिक्यूटेड। तो कोर्ट का एक सख्त रुख था, और अब देखना होगा, क्योंकि कोर्ट उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था कल, इसीलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोबारा से कोर्ट के सामने रहने को कहा गया है। कल अब इस मामले की दिन में 2 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट पहले बैलेट पेपर को देखेगा, उसके मुताबिक उस आधार पर फैसला लेगा। जी, दोबारा से यहां पर फैसला जरूर लिया जाएगा, लेकिन विक्रांत, ये भी आप अनिल मसीह जो हैं, उनकी भी मुश्किलें यहां पर जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो वीडियो है वो भी सुपुर्द किया गया है कोर्ट को, तो उनकी मुश्किलें भी जरूर बढ़ती हुई दिखेंगी। देखिए, उसी वीडियो के कारण अनिल मसीह ये कहा जाए कि फंसे भी थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर जब नोटिस किया गया था तो ये दिखाया गया था, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जिस तरीके से लोकतंत्र पर आघात कर रहा है, इसकी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, और इस अधिकारी को वो बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। आज भी कोर्ट ने कहा कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, तो मसीह ने कहा कि वहाँ पर शोर बहुत था और चारों तरफ कैमरे लगे थे तो उनकी निगाह चली गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं था, कोर्ट संतुष्ट नहीं था, और अब कल भी अनिल मसीह को कोर्ट में रहने को कहा गया है। लेकिन इसके अलावा अब जो एक बड़ा खेल, जो बड़ा पेच फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कल की सुनवाई में, उसके बाद ही वो क्लियर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले चाहती थी कि दोबारा से चुनाव हो, लेकिन अब चूंकि बीजेपी का नंबर गेम ज्यादा हो गया है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, अब आम आदमी पार्टी ने आज सुनवाई में कहा कि जो पुराने बैलेट पेपर थे उन्हीं के आधार पर गिनती जाए, और जो बैलेट पेपर अनिल मसीह ने खारिज किए थे जिन पर क्रॉस का निशान लगाया था, उन बैलेट पेपर को सही मानते हुए गिनती की जाए। तो कोर्ट ने कहा कि क्या वो बैलेट पेपर अभी सुरक्षित हैं, ये पता चला कि वो सुरक्षित रखे हुए हैं, तो कोर्ट ने अब वो बैलेट पेपर आज शाम तक चंडीगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास, यानी कि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, इस सुनवाई पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और इसीलिए दोनों ही पार्टियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका।